क्या आपको पता है रूस को महाशक्ति बनाने में दो आम अमेरिकियों का हाथ शामिल था, दो पति पत्नी, लेकिन बदले में दोनों को सिर्फ दर्दनाक मौत मिली। जब आधी सदी के बाद कहानी खुली तो पता चला कि पत्नी को बेवजह मार डाला गया और उसे फंसाने में उसके अपने ही भाई का हाथ था। इस पूरी कहानी के सेंटर में था एक हथियार जो दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। कौन थे ये पति पत्नी, दो आम अमेरिकी नागरिक कैसे बने रूसी जासूस और कैसे पहुंचा रूस के पास एटम बम का सीक्रेट, सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है साल 1930 से। रूस में कम्युनिस्टों का राज आने के बाद कई देशों में युवा कम्युनिस्ट संगठन की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में इस संगठन का नाम यूथ कम्युनिस्ट लीग था। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कई लोग इस लीग से जुड़े। इनमें से एक शख्स का नाम था जूलियस रोजनबर्ग। जूलियस यहूदी था और उसका परिवार रूस से पलायन कर अमेरिका आया था। यूथ कम्युनिस्ट लीग में काम करते हुए जूलियस की मुलाकात एक लड़की से हुई। एथल नाम की ये लड़की भी यहूदी थी। दोनों में प्यार हुआ और जल्द ही शादी भी हो गई। शादी का मतलब था घर की जिम्मेदारी आना। जल्द ही जूलियस ने आर्मी में नौकरी ज्वाइन कर ली। वो इंजीनियरिंग विभाग में काम करने लगा। अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस सहयोगी थे, लेकिन रूस को पता नहीं था कि उसका साथी उसके पीठ पीछे एक ऐसा हथियार बना रहा है जो युद्ध का नतीजा तय कर देगा। 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, वो प्रोजेक्ट जिसने दुनिया को पहला एटम बम दिया। इस दौरान रूस भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार तकनीकी पेच सामने आ रहे थे। ऐसे में उसने तय किया कि वो अमेरिका से जासूसी करेगा। रूस में एक आंतरिक मंत्रालय होता था जिसे NKVD बुलाते थे। जासूसी का सारा काम यही संस्था संभालती थी। सिमोन सिम्योनोव जासूसों के लीडर थे। अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने अपने गुर्गे बिठा रखे थे। ऐसे ही एक गुर्गे ने 1942 में सिम्योनोव की पहचान जूलियस रोजनबर्ग से करवाई। जूलियस का झुकाव पहले ही कम्युनिज्म की तरफ था। जल्द ही वो सिम्योनोव के लिए काम करने को तैयार हो गए। शुरुआत में जूलियस ने अमेरिकी हथियारों से जुड़ी जानकारियां रूस तक पहुंचाई। इसमें अमेरिका के पहले फाइटर जेट P-80 शूटिंग स्टार की सीक्रेट जानकारी शामिल थी। धीरे धीरे जूलियस ने कई और लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट कर लिया और वो अमेरिका में रूसी जासूसी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। वो सारी जानकारी इकट्ठा कर अलेक्जेंडर फेक्लिसोव को देता। फेक्लिसोव राजदूत के तौर पर अमेरिका में रह रहा था। वो ये जानकारी सीधे रूसी वैज्ञानिकों तक पहुंचाता। करीब एक साल तक ये धंधा ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रोज फेक्लिसोव को एक ऐसी बात पता चली जो भविष्य बदल सकती थी। यहाँ से इस खेल में एंट्री होती है एथेल रोजनबर्ग की। हुआ यूं कि एक रोज बातों ही बातों में जूलियस ने सिम्योनोव को अपने परिवार, खासकर की पत्नी के बारे में बताया। पत्नी से बात साले तक पहुंची। डेविड ग्रीनग्लास जूलियस की पत्नी एथेल का भाई था, जो उस समय अमेरिका के परमाणु प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। ये बात सुनते ही सिम्योनोव की आंखें चमकने लगी। वो किसी भी तरह डेविड तक पहुंचना चाहता था। उसने जूलियस से कहा कि वो अपनी पत्नी एथेल से बात करे। एथेल ने डेविड को समझाया। उसके लिए ये पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी। एटम बम इस युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता था। डेविड तैयार हो गया। उसने यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जूलियस को दी, जहां से वो रूस यूनियन तक पहुंचा दी गई। अमेरिकी सरकार इस बात से अनजान थी। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आने वाला युग उनका है और इस युग में सबसे बड़ी ताकत वही होंगे। लेकिन इसके कुछ साल बाद 1939 में रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अमेरिकी सरकार के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि एक न एक दिन रूस परमाणु शक्ति हासिल कर लेगा, लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा इसकी उन्हें कतई भनक नहीं थी। लिहाजा अमेरिकी खुफिया सर्कल्स में जल्द ही ये बात फैलने लगी कि हो न हो उनके बीच रूसी जासूस बैठे हुए हैं। रोजनबर्ग दंपत्ति के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जनवरी 1950 की घटना है। क्लाउस फक्स नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक इंग्लैंड में पकड़ा गया। ब्रिटेन की तरफ से उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। फक्स ने बताया कि उसने प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां रूस तक पहुंचाई थी। ऐसा करने में उसकी मदद हैरी गोल्ड नाम के एक अमेरिकी नागरिक ने की थी। तुरंत गोल्ड को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी। रूसी जासूसों का सारा नेटवर्क खुल गया। पुलिस डेविड ग्रीनग्लास तक पहुंची। ग्रीनग्लास से उसकी बहन एथेल और एथेल से
जूलियस रोजनबर्ग का पता चला। 17 जुलाई 1950 को रोजनबर्ग दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई। यहां से मामला सीधा लग रहा था। गवाही के दौरान डेविड ग्रीनग्लास ने बताया कि उसने फैटमैन का स्केच जूलियस को दिया था। फैटमैन उस परमाणु बम का नाम था जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। साथ ही उसने बताया कि उसकी बहन एथिल सारी खुफिया जानकारी टाइप करके जूलियस को देती थी। ऐसी ही कई और गवाहियां रोजनबर्ग दंपत्ति को कसूरवार ठहरा रही थी। 6 महीने चले केस के बाद कोर्ट ने दोनों को गुनहगार माना और मौत की सजा सुना दी। सजा डेविड ग्रीनग्लास को भी हुई, लेकिन वो मृत्युदंड से बच गया। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस केस ने दशकों तक अमेरिका में हंगामा बरपाया। रोजनबर्ग दंपत्ति ने कोई कत्ल नहीं किया था। जासूसी के नाम पर आम नागरिकों को मौत की सजा मिलते जनता पहली बार देख रही थी। लिहाजा धीरे धीरे रोजनबर्ग दंपत्ति को कुछ तबकों से सहानुभूति मिलने लगी। दोनों यहूदी थे। नाजियों द्वारा यहूदी नरसंहार की घटना को अभी कुछ ही साल हुए थे। इस मामले में अमेरिकी सरकार और कोर्ट पर एंटी सेमिटिज्म के आरोप लगे। प्रसिद्ध दार्शनिक जियां पॉल सार्त्र जैसे दिग्गज रोजनबर्ग दंपत्ति के समर्थन में आगे आए। सार्त्र ने यहां तक कह दिया, तुम्हारा देश भय से बीमार हो चुका है, तुम अपने ही बम की परछाई से डरने लगे हो। पेरिस से लेकर यूरोप की तमाम राजधानियों में लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन अमेरिकी सरकार और कोर्ट्स टस से मस न हुए। इस कड़ी सजा का एक सिरा कोरिया युद्ध से भी जुड़ा था। तर्क ये था कि अगर जासूसों ने परमाणु जानकारी रूस को न दी होती तो कोरिया युद्ध में वो कहीं पहले घुटने टेक देता। जासूसी की गद्दारी से हजारों अमेरिकी जवानों की जान गई थी। इन कारणों के चलते रोजनबर्ग दंपत्ति को मृत्यु दंड के ही लायक समझा गया। अंत में 19 जून 1953 के रोज दोनों को मौत की सजा दी गई। तब अधिकतर अमेरिकी राज्यों में मौत की सजा के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल होता था। रोजनबर्ग दंपत्ति अपने पीछे 10-11 साल के दो बच्चे छोड़ गए। गद्दार का बेटा कहकर किसी ने भी इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। बाद में एक समाजसेवी ने इनकी मदद की। बड़े होकर दोनों बच्चे अपने माँ बाप को बेगुनाह कहते रहे। उनके अनुसार उनकी माँ को जासूसी की भनक तक नहीं थी। 1990 में रूस के विघटन के साथ ही ये केस एक नया मोड़ लेता है। आप पूछेंगे, रोजनबर्ग तो मर चुके थे, अब क्या फायदा? तो इसकी वजह थी कानून का राज। लोकतंत्र की एकमात्र पहचान, गलती को पहचान कर ही उसे दोहराने से बचा जा सकता है। 1995 में अमेरिकी सरकार ने कुछ खुफिया दस्तावेज रिलीज किए। ये दस्तावेज रूस से हासिल किए गए थे। इनसे ये तो पक्का हो गया कि रोजनबर्ग दंपत्ति सच में जासूसी कर रहे थे, लेकिन दोनों का गुनाह क्या फांसी के लायक था? साल 2001 में एथेल रोजनबर्ग के भाई डेविड ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। जैसा कि हमने पहले बताया, डेविड खुद एक जासूस था और उसकी गवाही इस केस में सबसे अहम साबित हुई। डेविड ने बताया कि असल में उसकी बहन का कोई कसूर नहीं था। टाइपिंग का काम खुद उसकी पत्नी करती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उसने अपनी बहन को फंसा लिया। इस खुलासे के बाद एथेल रोजनबर्ग को बेगुनाह करार देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा। रोजनबर्ग के दोनों बेटों ने सालों तक अपने माँ बाप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करी। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा को खत लिखा। साल 2023 तक ये कोशिश जारी है। रोजनबर्ग दंपति कोल्ड वॉर की भेंट चढ़ गए, लेकिन इस मामले में एक कमाल की बात यह है कि रूस ने कभी नहीं माना कि उसने परमाणु सीक्रेट अमेरिका से चुराया। वो हमेशा कहता रहा कि ये उनकी उपलब्धि है। परमाणु रेस के बाद दोनों देश स्पेस रेस में आमने सामने हैं, लेकिन अब की बाजी रूस के हाथ लगी। इसका किस्सा फिर कभी। इसी के साथ आज का तारीख यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा मेरे साथी कमल ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉक स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।